जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है उसके पास औकात है तो बिहार में अपना चेहरा साबित करके अभी चुनाव करा ले, हिम्मत है तो चुनाव करा के देख ले। युवा नेता प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव युवा है, इनको अभी बेचैनी नहीं, अभी 50 साल आने वाले समय में राज करने वाले हैं। लालू जी कहला चिंता करेंगे? अरे हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी चिंता करे? जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है उसके पास औकात है तो बिहार में अपना चेहरा साबित करके अभी चुनाव करा ले, हिम्मत है तो चुनाव करा के देख ले। युवा नेता प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव युवा है, इनको अभी बेचैनी नहीं, अभी 50 साल आने वाले समय में राज करने वाले हैं। लालू जी कहला चिंता करेंगे? अरे हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी चिंता करे? क्या बारे में, किस बारे में? बीजेपी कह रही है कि लालू यादव को अपनी चिंता करनी चाहिए और राजद को उनकी चिंता करनी चाहिए। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, किसी से कोई डरती नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं बीजेपी वालों को बता देना चाहता हूँ कि लालू यादव कभी भी अपना चिंता नहीं किए, और जब भी किए तो देश का चिंता किए, गरीबों का चिंता किए, मजबूरों का चिंता किए, शोषितों का चिंता किए, अति पिछड़ों का चिंता किए, दलितों का चिंता किए। तो देश का चिंता खाली भाजपा वाला करेगा जो देश को बेच रहा है? अरे देश को बेचने वाला को अगर कोई रोकने वाला है तो उसका नाम है लालू यादव, और लालू यादव उसको रोक के बताएगा। कह रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा जुमला पार्टी भी है, देश का सबसे बड़ा जुमला पार्टी और विश्व का सबसे बड़ा जुमला पार्टी, सभी लोगों को ठगने का जो काम किया है ये जो है सो नरेंद्र मोदी और इसका आरएसएस का लोग, उसको देश देख रहा है। और आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा कि इसको वही हाल होगा जो सद्दाम हुसैन का हाल हुआ था, इसका यही हाल होगा। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अपने आप को कहती है, मुख्यमंत्री नहीं तो चोर पार्टी के तरफ से लेके वीआईपी के तोड़वा कर अपना में मिला ले तो सबसे बड़ा पार्टी होगा। हिम्मत है तो चुनाव करा के देख ले, हिम्मत है चुनाव करा के वो देख ले और उसको पता चल जाएगा। हम लोग 76 गो है विधायक और उनका 3 गो मिला के हुए 77, तो हम लोग जनता के बीच से है 76 और वैक दरवाजा से चोर दरवाजा से वो है 77, तो बड़का पार्टी होगा बिहार में। अरे बिहार में जिसको जनता मानेगा उन्हें बड़का पार्टी होगा। वो जहाँ ने बता दिया है कि किस प्रकार से 37,000 वोट से इतना भारी वोट से जिताकर उपचुनाव में सब प्रशासन उनके साथ में, सब मतलब कि व्यवस्था उनके साथ में, और उसके बाद भी जनता ने उसको हराने का काम किया तो सबसे बड़ा इस बिहार का अगर कोई नेता है तो मानवर तेजस्वी यादव है और उसके नेतृत्व में सभी लोग चलने के लिए तैयार है। लालू जी कहला चिंता करें? अरे हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी चिंता करे? बीजेपी कह रही है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी की अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसकी औकात है कि बिहार में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ ले। जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है उसके पास औकात है तो बिहार में अपना चेहरा साबित करके अभी चुनाव करा ले, पता चल जाएगा किसी बात। हाँ ये है, देखिए कुछ चिंता तो उन्हें खुद की करनी चाहिए क्योंकि अभी जो कि जनता के बीच में माहौल है तो कहीं ना कहीं अनियमितता बढ़ती गई है उनकी लोग की तरफ से, तो उनको जनता ने जवाब देने का काम किया। और बोछा एक विशेषकर उदाहरण है, इस जगह पे विशेषकर उदाहरण है कि आज बिहार में सभी जाति धर्म को टूटते हुए जो भी एक मैपिंग था उस सभी जाति समीकरण को तोड़ते हुए आज जनता ने जितना बड़ा मैंडेट दिया है तो कहीं ना कहीं उनको चिंता के विषय है और इस चिंता पे उनको सोचना चाहिए। बदल की बात ये मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है, मुख्यमंत्री जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वे एकदम मौनी बाबा बने हुए हैं। अब कुछ लोग सपना देख रहे हैं कि हम मंत्री का वोट ले रहे हैं, आ कुछ लोग जो है से मुख्यमंत्री के भी वोट लेने का सपना देख रहे हैं। तो ये तो NDA का मामला है, ये डबल इंजन दोनों पहले ठीक कर ले समझे, उसके बाद इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। हम सरकार बनाने के लिए बेचैन नहीं है, हमको तो जनता बिहार की करोड़ों जनता सरकार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेचैन है। ये लोग चोर दरवाजे पर बैठे हुए लोग हैं, हम लोग सबर से हैं, जनता के हित के बात करते हैं और हमको कोई बेचैनी नहीं है। और हमारा युवा नेता प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव युवा है, इनको अभी बेचैनी नहीं, अभी 50 साल आने वाले समय में राज करने वाले हैं।